घूंघट में चांद होगा आ जाए चांदनी चुप चुप के देखेगी सजन को सजनी जो मेरी शहनाई मस्ती की रागिनी घूंघट में चांद होगा Hi guys, welcome back to my channel once again. और आज का ये है मेरा गरबा लुक. मुझे लगता है चंदिया चोली जो परफेक्ट ऑप्शन होता है गरबा के लिए, तो मुझे बड़ा पसंद है चंदिया चोली पहनना. तो मैंने अपने ब्लाउज़ के साथ अपने इस Hi guys, welcome back to my channel once again. और आज मैंने ड्रेसअप किया है डांडिया लुक के लिए. तो मैंने अपनी ईयरिंग्स बनाया है मांग टीका, जो कि बहुत ही कॉमन है, आप सब भी बना सकते हो. और एक परफेक्ट लुक दिया है बालों को, जस्ट खुला छोड़ा. और आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है डांडिया मेकअप लुक, जिसके लिए कि मैंने एक ये इट्स अ काइंड ऑफ बनारसी काइंड ऑफ दुपट्टा, बट इट्स अ कॉटन नॉट सिल्क. तो इस बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है, तो इसको मैंने दुपट्टा और अपनी ये रेड कलर की मेरी ब्लाउज है, इसके साथ ही साथ गुजराती वर्क वाला मेरा जो है स्कर्ट है, उसके साथ मैंने इसको पेयर अप करके बनाया है. और मुझे चंदिया चोली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यू नो इट्स अ गरबा लुक. तो आपको डांडिया में भी और गरबा में भी दोनों ही फंक्शन में पहन सकते हैं, तैयार हो सकते हैं इस तरीके से. मुझे तो भैया गरबा और डांडिया दोनों ही करने में बहुत मज़ा आता है, तो और मैं हमेशा चंदिया चोली पहनना प्रेफर करती हूँ, और उसके बाद यू नो राजस्थानी काइंड ऑफ या गुजराती काइंड ऑफ वर्क वाली साड़ियाँ, ये दोनों ही मेरी पर्सनल फेवरेट हैं. तो फिलहाल मैंने ये चंदिया चोली लुक क्रिएट किया है. आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक. और मैं अकेले शूट करती हूँ तो पूरा फुल लुक आना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बैक कर दिया. सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक. तो इसमें मैंने जो है ये मेरा फुलकारी दुपट्टा है, जिसको कि मैंने स्कर्ट बनाया है, आप देख सकते हैं. और इसको मैंने रेड कॉटन दुपट्टे के साथ, जो कि थोड़ा बनारसी टच में है, इसके साथ पेयर अप किया है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. और इस तरीके से मैंने अपना डांडिया लुक क्रिएट किया है. सो गाइस, इफ यू ऑल लाइक इट, कर लीजिए तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. चलिए फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए.